जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, हमारे भारतीय सेना की तरफ से एक और दुखद खबर मिल रही है। गलवान घाटी पर वायलर फटने से शहीद हुआ बिहार के बांका का लाल, गांव में पसरा मातम। बिहार के बांका का लाल और भारतीय सेना के वीर जवान सुधांशु कुमार उर्फ राहुल गलवान घाटी में बॉयलर फटने से शहीद हो गया। बांका जिले के रजौन प्रखंड क्षेत्र के सकारा गांव का रहने वाले सुधांशु कुमार मंगलवार देर रात शहीद हो गए। उनकी मौत की खबर के बाद उनके पूरे गांव में मातम पसरा है। वहीं इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व गलवान घाटी में बॉयलर फटने से सुधांशु गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ एक सप्ताह तक इलाज चलता रहा, लेकिन मंगलवार की देर रात राहुल जिंदगी की जंग हार गए। 2020 में आर्मी में हुए थे भर्ती। देर रात उनके परिवार को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके चाचा ने एक अखबार से बातचीत में बताया कि साल 2020 में सुधांशु आर्मी में भर्ती हुआ था। फिलहाल गलवान घाटी में उसकी ड्यूटी थी। राहुल के शहीद होने की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। चाचा अमित ने बताया कि देर रात तक राहुल का पार्थिव शरीर गाँव पहुँच जाएगा। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वाले को। सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं। उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शहीद सुधांशु कुमार उर्फ राहुल को सत सत नमन करता हूं, और मैं नमन करता हूं उन माओं का जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, अगर हम शहीद जवान सुधांशु कुमार के लिए कुछ कर सकते हैं तो इस वीडियो को अनदेखा ना करें और कमेंट बॉक्स में जाकर शहीद जवान सुधांशु कुमार के लिए जय हिंद जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।